कोई और प्लैनेट नहीं है दूसरा द साइंटिफिक एविडेंस इज क्लियर दैट ओनली सेलेस्टियल बॉडी कैन सपोर्ट अस इन द वे वी इवॉल्व विद मतलब क्या है कि साइंटिफिक ने बोला है कोलन ये देखो कोलन का मतलब क्या है भाई वॉट्स द मीनिंग ऑफ कोलन ये देखिए कोलन का मतलब क्या Anyone knows? Definition or explanation, है वन नोस डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ठीक है The scientific evidence is clear, colon. The only celestial body that can support us is the one we evolved with. Here is why. Celestial body, upper body, again. Is a research fellow in the physics and astronomy at the University of Exeter in UK. Achi University. She has developed the gain models, gain models of regulation to understand how life might impact the long-term habitability of prospects of its planet, Acha. हमारी जो लॉन्ग टर्म हैबिटैलिटी है, हम है हमारे लिए, ना? तो वो कैसे यहाँ पे हम लोग तो एक और है, का मीनिंग, ओके, वेरी गुड ज्ञान का मीनिंग पूछ रहा है यश शर्मा क्या कर रहे हो भाई तुम ओके आगेक्ट और ऑफ और प्लान इज सीनियर लेक्चर रफेल का नाम पूछेगा अब तू अब हैब का नाम पूछेगा रफेल इज सीनियर लेक्चरर इन द फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी

दैट इज करेक्टराइज द लास्ट हंड्रेड ईर्स हेडलेट टू अ वर्ल्ड बैरन बैरन का मतलब पता है barren and inhospitable, जहां पे लोग रह नहीं सकते अभी धीरे धीरे हर चीज बैरन हो रही है यार मैं मेरे को यार खांसी जा ही नहीं दी है मुझे लगा खांसी मेरे से मेरे गला खराब था मैं स्नो वाली जगह पर गया था नो इट्स द पॉल्यूशन बॉम्बे इज सिटियर देन डेली यार आज मैं सारा दिन ए सी के अंदर था और वो सबसे पर सड़क पर निकलती खांसी शुरू हो जाती है यार सो इज बिकमिंग इन हॉस्पिटेबल बैरन का मतलब बंजर जमीन बिल्कुल

बियॉन्ड द अर्थ के और हम नई चीज ढूंढनी शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो गंद मचा दिया है बट वेर आर वी गोइंग वट आर द ऑफ फाइंडिंग मतलब अलग अलग इसको छोड़ के कोई और टोटली डिफरेंट डिफिकल्ट टू अचीव अर्थ लाइक अर्थ के जैसा तो होना चाहिए वर्ल्ड रेडी वेटिंग टू वेलकम एंड शेल्टर ह्यूमैनिटी जहाँ पे ह्यूमन को रख सके फ्रॉम द गंद नहीं बचना चाहिए है ना वी क्रिएटेड ऑन द दैट प्लानस इन टू बींग जो हमने बनाया अर्थ जहां पे हमने को हमारे पैदा हुए वी बिल्ड पावरफुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू द स्काई प्लान आ चुके पास एंड वेरी क्विकली फाउंड हंड्रेड ऑफ द अर्थ हमने हंड्रेड ऑफ अर्थ देख लिए दूर दूर अर्थ के ट्विंस दिख रहे हैं अपने बहुत जगह बाकी है भाई अभी अर्थ के जैसी बहुत जगह बाकी है ये एक बहुत ही प्यारा सा रीडिंग लिखा है साइफे बेस्ड रीडिंग कॉम्पटिशन है पढ़ के मजा आया कि नहीं यस और नो पढ़ के मजा आया यस और नो बॉयज एंड गर्ल्स आज का होमवर्क रात को सोने के पहले ये चौंतीस वर्ड चौंतीस सौ वर्ड खत्म होना चाहिए आप मेरे कहने पे पर पढ़ते जाओ मार्च मंथ तक बड़े टीचर आए आपको पढ़ाने के लिए आठवीं कर लो बेटा जिंदगी जिंदगी बदल जाएगी बारहवीं कर लो जिंदगी बदल जाएगी मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग कर लो जिंदगी कुछ नहीं बदलेगी एमबीए कर लो जिंदगी बदल जाएगी मैं लिख के दे रहा हूँ ठीक है है भाई डन चलो भाई इसको पढ़ते जाओ और ये इंटरेस्टिंग है पढ़ो एक दिन सुबह उठोगे और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा ठीक है भाई प्रॉमिस है ठीक है चलिए आगे बढ़े ऑल गुड बॉयज एंड शुड शुड गेट मूव फॉरवर्ड अब हमारे रीडिंग अगले तीस मिनट मुझे आपका पूरा कंसेंट्रेशन चाहिए अगर मेरी क्लास के अंदर आपका कंसेंट्रेशन नहीं है तो कुछ समझ नहीं आने वाला ठीक है एक लड़का स्पैम कर रहा है आधे घंटे से पढ़ नहीं रहा था स्पैम कर रहा है निखिल महेंद्र आकर सर ऐन पल्ले कुछ नहीं समझ आता पर इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये चीज स्पैम कर रहा है जब मैं ऐान पढ़ा रहा था ठीक है तो अम, क्या फायदा हुआ स्पैम करके वो बात मुझे पहुंचाई कुछ फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ ना इसलिए फिंगर ऑन द लिप्स कर और इंजॉय कर मेरी जान हाँ इंजॉय कर चलिए भैया आरसी करें आई वॉज रेडी फॉर द आरसी